नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव क्लासेस। देव क्लासेस के अंतर्गत हम सीटेट और यूपीटीटी की पूरी तैयारी करवाते हैं, जो कि बिल्कुल निशुल्क है। इसकी लाइव क्लास रात 9 बजे से भी होती है अपनी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। आप सीटेट से जुड़ी हुई किसी भी विषय के नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर आप अपना नाम, एरिया और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज हम लोग सीटेट के अंतर्गत कुछ बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा बाल मनोविकास, जिसके अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये सारे सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको आप नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारे सिद्धांत कई बार पेपरों में आ भी चुके हैं और इनकी संभावना भी है आने की। इनका कलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, अतः आप लोग इनका नोट डाउन ज़रूर करके रखिएगा। और हाँ, हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलते हैं आज के सब्जेक्ट की ओर, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम बता रहे हैं और अलग अलग रखने की जगह हमने उनके सिद्धांतों को एक ही जगह रखा हुआ है, ताकि याद करने में भी आसानी रहे और ये आसानी से याद भी हो सके। जैसे हम थर्स्टन की बात करें, थर्स्टन ने लगभग 4 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से पहला है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी रहे ये, क्रमबद्ध अंतराल विधि की प्रतिपादक भी रहे और समदृष्टि अंतर विधि के भी प्रतिपादक रहे ये। इसी तरह हमारे थॉमसन जी हैं, थॉमसन जी न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इसी श्रेणी में हम आरबी कटल जी को लेंगे, इन्होंने तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है और ये प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी रहे हैं। और हमारे हैब जो थे वो बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसी श्रेणी में हम स्टर्न एम जॉनसन को भी लेंगे, इन्होंने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे विलियम स्टर्न, इन्होंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया था, इसलिए इनको बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा विलियम बुंट, विलियम बुंट ने संरचनावाद संप्रदाय के जनक भी रहे और इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की भी रचना की, इसलिए इनको उसका जनक भी माना जाता है। अतः हम ऐसा भी बोल सकते हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक भी थे ये और ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक थे। हमारे जीन प्याजे जी हैं, वो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी रहे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। अतः जीन प्याजे जी के यहाँ पर 2 सिद्धांत दिए गए हैं। अगला है विलियम मैकडूगल, ये मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता भी जाने जाते हैं और इन्होंने हार्मिक सिद्धांत को भी दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्मिक सिद्धांत पेपरों में भी आ सकता है। हार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है, तो वह विलियम मैकडूगल। आगे हम चलते हैं, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पोलॉजी हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान भी बोला है। और हमारे स्किनर जी हैं, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ये बहुत ही पेपरों में आया है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका था, आप इसको ज़रूर याद करिएगा। इसी श्रेणी में है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी हमारे वैज्ञानिक स्किनर जी ने ही दिया था। आज के हम वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज के टॉपिक में आपको इतना ही तैयार करना है। इसी श्रेणी में हम अगला वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से फिर 8 से 10 वैज्ञानिकों के नाम और उनकी सिद्धांत और रचनाओं के बारे में भी हम दर्शाएंगे। तो जो भी टॉपिक होता जाए, हमारा तैयार होता जाए और उसके लगभग नोट्स भी तैयार होते जाए। तो
आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और हमारा कलेक्शन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और हाँ, हमारे विशेष नोट्स के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। इस नंबर पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एरिया जहाँ के आप रहने वाले हैं और किस बेस पे आप तैयारी कर रहे हैं या किस सब्जेक्ट की आपको नोट्स चाहिए वो आप लिख के भेज सकते हैं। ये आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस के नाम पे आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए देव क्लासेस।